गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं फिर आ चुका हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर, क्योंकि बच्चे आज संडे था तो अभी सो के उठे हैं और नहा धो के आज बच्चों का मन था कि वो माधव की सेवा करेंगे। वो माधव की सेवा में लगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आज माही लगी है माधव की सेवा में। मम्मी आराम कर रही है भक्ति भाव से मुस्कुराते हुए, थोड़ा सीधा। देखो, ये देखो माधव माधव ने जी, अभी अभी नहाया है। ये देखो नहा दो, स्मार्ट लग रहे हैं माधव जी। अभी पूरा इनका श्रृंगार होगा, आज माही ने श्रृंगार करना, पूरी सेवा आज माही कर रही है। उनको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं अभी। आज थोड़ा लेट उठे हैं इसलिए आज संडे है। देखो बाहर धूप कितनी अच्छी आई हुई है, आज मौसम फिर गर्मी वाला हो गया है। ये देखिए, अभी माधव रेडी हो चुके हैं। मैंने उनको रेडी कर दिया है। माधव कैसा लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है आपको मेरे से तैयार होके? मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है माही जी जी से तैयार होके। वाह, माही जी ने मुझे कितना अच्छा सजाया है। थैंक यू माही जी जी। चलो अब मुझे थोड़ा सा आराम करने दो, बाद में व्लॉग में लेना। और ये देखिए, आज ये बिस्तर के गद्दे निकाले हुए हैं और साथ ही सोफों के भी। आज उमर पापा अच्छे से साफ सफाई करने वाले हैं। हर जगह बाहर का कमरा दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी सारे गद्दे निकले हुए हैं हाँ, धूप साफ में। सफाई कर लिए, संडे का दिन है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे पहाड़ी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और जितने भी हमारे यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है, उन सबको हैप्पी संडे। और एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को माही परी के साथ और हमारे साथ। जैसा कि आप लोग चाहते थे कि पापा व्लॉगिंग करें, तो पापा ने एक दो दिन व्लॉगिंग स्टार्ट करी। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक कीप वॉचिंग। और यहाँ देखिए, आज संडे को बन रहे हैं आलू के पराठे। गाइस, मेरा एक ही काम है। इन लोग के पास बहुत सारे काम है गाइस, मेरा एरिया सिर्फ इतना ही है। मेरे बस इतना सा है, बाद में आके बर्तन पर ही रुक जाता है। गाइस, आज हमने धूप में डाले हुए सारे गद्दे, सोफे के गद्दे, क्योंकि गाइस सीलन की वजह से ना, बारिश की वजह से थोड़ा स्मेल सी आ जाती है घर में। तो अभी पूरा दिन सुखाएंगे जब तक धूप रहेगी, उसके बाद साफ सफाई करेंगे थोड़ा। और गाइस, जैसे आपने देखा है, आज माधव की सारी तैयारी माही ने करी है। आज संडे था तो इनको करना था, इनका मन था, तो इनका चलो दोस्त स्कूल जाते तो टाइम नहीं होता। माधव की सेवा माही ले गई, माही ले गई। हेलो, आलू का पराठा खाऊंगी, मेरा फेवरेट। अभी मैं आपको छत पे दिखाती हूँ जो गद्दे हमने छत पे सुखाने के लिए रखे हैं। ये देखिए, ये बेड के हैं और ये सोफों के, यहाँ पे सारे सुखाने के लिए रखे हुए हैं। बाहर का जो बिस्तरे का है वो भी, ये देखो। और यहाँ पे हमारे बगीचे में अच्छे अच्छे फूल हो रखे हैं। और ठाकुर जी को हम यही वाले जो सदाबहार के फूल हैं चढ़ाते हैं, सदाबहार। तो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि आलू का पराठा बनने वाला है। अभी देखिए, आलू का पराठा बन के रेडी है, पापा भी खा रहे हैं। हाय हाय। अब देखिए, इनकी मम्मी ने बनाया आज आलू का पराठा, संडे का दिन है। हाथ में जादू है, जैसे कि ऑलवेज इनका एक कुकिंग चैनल स्टार्ट करना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा। और ये वही है, बहुत जल्दी वो आने वाला है। जो हम अचार लाए थे राजमंदी से, वही वाला अचार। और हमें इतना दादी नानी की रेसिपी, और हमें बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। हम तो अपने लंच में भी लेके जाते हैं। चलो, ये देखिए, अभी बैठ के जो नीचे का था वो निकाला है, यहाँ का मम्मा और पापा ने मिलके। भाई, बेड साफ करने पे पैसे जितने मिलेंगे मेरे बनेंगे। गाइस, ये देखो, दो सिक्का, दो का सिक्का भी और मिलेंगे, ये परी, क्योंकि अभी यहाँ का जब निकलेगा ना, तो यहाँ के भी काफी सारे। ये देखिए, बेड से मेरा सामान भी मिल रहा है। ये मेरा इयररिंग पिछले 6-7 महीने से मिल नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था ये कहाँ चला गया, मैं पहन नहीं पा रही। तो मिल भी रहा है आज, ये बिल्कुल कोने में। गाइस देखिए, यहाँ पे था ये, अंदर गिरा हुआ था। अब मिल गया गाइस ये। ये देखिए, यहाँ पे बेड के दो दो हिस्से और रखे हैं, और पापा खिसका रहे हैं। देखिए, आज पता चल रहा है ये एरिया कितना ज़्यादा बड़ा है।
मम्मी यहाँ पे पोछा भी लगा रही हूँ कि थोड़ा सा काला काला और का यहाँ पे गाई झाड़ू तो लग जाता है, पोछा नहीं जा पाता अंदर ना। बेड की दूसरी सेटिंग चल रही है, मम्मा पापा और मामा, मामा भी आए हैं, तीनों मिलके बेड को दूसरी तरीके से लगा रहे हैं। मामा ने बैठ लिया, घर भजनपुरा में लाए तब से मामा ही कर रहे हैं। मेरे मामा भी लगे हुए हैं यहाँ पे, परी सबके लिए रसना बना रही है, मामा पापा मम्मी परी मैं सब भी रसना पियेंगे। ये देखिए गाइस, जो हमारे बेड है उसकी सेटिंग अब चेंज हो चुकी है, ये बेड जो यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ गया है। ये देखो, अब देखो हम लोग इतने थक चुके हैं घर की साफ सफाई करते हुए, तो अब बनाई है मैगी, तो हम मैगी का खाते हैं। और देखो सामने ये बच्चे मैगी खाते हुए। गाइस चलिए आपको भी छत पे लेकर चलती हूँ, क्योंकि अभी शाम के 7 बज रहे हैं और संडे के दिन काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पे देखने को मिल रहा है छत पे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा मौसम है, यहाँ पर भी और यहाँ पे देखिए थोड़े काले बादल हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर, काफ़ी जगह साफ़ है और काफ़ी जगह ऐसे बादल छाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है, संडे के दिन शाम 7:04 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे परी ने भी थोड़ी देर पहले पौधों को पानी भी दिया है, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और परे भी छत पर ही है, ये भी परी मौसम के मज़े लेते हुए। तो चलो हम लोग चलते हैं छत नीचे, और ये मौसम मैंने आपको दिखाया जो एकदम बादलों से ढका हुआ है, इस वजह से रुई बिछा रखी होगी पूरे आकाश में। चलो नीचे चलते हैं, आप लोग भी अपनी छत पर संडे के दिन ये मौसम ज़रूर इंजॉय करिए। ये देखिए गाइस, मम्मा कुछ साफ़ कर रही, इसे चटनी बनी। मम्मा क्या कहते हैं इसको? गाइस इसको बोलते हैं भंगीर, हमारे पहाड़ी का वो है ये, और इसको थोड़ा सा तवे पे भूनते हैं और उसके बाद इसकी बहुत ही स्वाद चटनी बनती है। गाइस कुकिंग चैनल नहीं बन पा रहा, भंगीर बहुत अच्छी बनती है गाइस इसकी चटनी, मैं आपको सारी रेसिपी गाइस बताती पर अभी बन नहीं पा रहा। मम्मा अब हम लोग ये पहली बार टेस्ट करेंगे भंगीर वाली चटनी। कितनी बार बनाई है मैंने। और ये देखिए ये रूम अब पूरा सेट हो चुका है, अब ऐसी बेड रहेगा, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसा बेड। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर का भी एकदम सेट हो गया है। ये देखिए बाहर का कमरे में भी चादर नहीं थी, गद्दा नहीं था, क्योंकि छत पे सुखाने के लिए डाला हुआ था धूप में, तो अब यहाँ पे ये भी हो गया है। और बाकी ये सब भी एकदम परी ने कर दिए। तो अभी रात के 7:30 हो रहे हैं रात के, तो अभी थोड़ी देर में खाना वगैरह बनेगा। ये देखो गाइस अभी सुबह की तैयारी कर रहे हैं स्कूल की, माही कर रही है अपनी प्रेस, और परी कर रही है अपना होमवर्क, सुबह से कुछ नहीं कर रहा इन्होंने, अब जाके ये लगे हुए हैं रात को सोते वक्त। ये देखिए अब प्रेस कर रही है परी, माही ये देखो अब शक्ल दिखाई, जब परी का नाम लिया तो कैसे चिड़के मारे उसने अपनी शक्ल ऊपर कर ली है। और देखो ये माही परी पढ़ रही है, पत्नी क्या नकल मार के कर रही है, जो भी कर रही है। कमरे की हालत देखो कैसी कर दी इन्होंने। शुभ रात्रि सबको, आप जल्दी जल्दी मेरी बहनों के चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे व्यूज बढ़ाइए और वॉचिंग आवर कंप्लीट करें।